नमस्कार, सत्याग्रह.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दिनमान। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। पद्मावत के विरोध में हिंसा तेज हुई। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने कहा, 4 राज्यों में फिल्म नहीं दिखाई जाएगी। लालू प्रसाद यादव को एक और झटका। चारा घोटाले के तीसरे मामले में 5 साल की सजा। बॉम्बे हाई कोर्ट का अहम फैसला। सोहराबुद्दीन शेख मामले की खबरें छापने पर लगी रोक हटाई। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मियों की मौत। और चीन ने दावोस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की तारीफ की, कहा संरक्षणवाद के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। साथ ही सुनेंगे आज रिलीज हो रही फिल्म पद्मावत की समीक्षा। सत्याग्रह.com पर आप देख रहे हैं दिनमान। अब समाचार विस्तार से। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत का विरोध और हिंसक हो गया है। इसके चलते बुधवार को गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में हिंसक घटनाएं देखने को मिली। हिंसा के आरोप में इन राज्यों के 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा की इन खबरों के बीच मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा में उसके सदस्य ये फिल्म नहीं दिखाएंगे। भारत के 75% मल्टीप्लेक्स मालिक इस एसोसिएशन के सदस्य हैं। राजपूत संगठनों ने इसके विरोध में आज बंद का ऐलान भी किया है। इससे पहले देश के कई राज्यों ने इस फिल्म पर रोक लगा दी थी, जिसे फिल्म निर्माताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक और झटका लगा है। चारा घोटाले से जुड़े तीसरे मामले में उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। विशेष सीबीआई अदालत ने उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने इस मामले में बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को भी 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। 2 दशक से भी ज्यादा पुराना ये मामला सरकारी खजाने से करीब 33.5 करोड़ रुपए के गबन का है। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े 2 अन्य मामलों में भी दोषी ठहराया जा चुका है। इनमें से एक मामले में उन्हें 5 और दूसरे में 3.5 साल की सजा हुई है। फिलहाल वे रांची जेल में कैद हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई से जुड़ी खबरें छापने पर लगी रोक हटा ली है। अदालत ने कहा कि इस तरह की रोक लगाना कानून के खिलाफ है। बीते नवंबर में मुंबई स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने बचाव पक्ष की मांग पर यह रोक लगाई थी। बचाव पक्ष का कहना था कि इससे अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों के अलावा आरोपितों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। हालांकि अगले ही महीने 9 पत्रकारों ने निचली अदालत के इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि निचली अदालत का ये फैसला पत्रकारों को उनकी जिम्मेदारी निभाने से रोकता है। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के साथ एक मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हो गए। ये मुठभेड़ नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक इसमें माओवादियों को भी काफी नुकसान हुआ है। बुधवार को ही माओवादियों ने राज्य के बीजापुर जिले में भी एक IED धमाका किया। इसमें 2 जवान घायल हो गए। इससे पहले खबर आई थी कि देश में माओवादी हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्या में कमी आई है। CRPF के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब देश में केवल 58 जिले माओवाद के प्रभाव में हैं। 2015 में ये आंकड़ा 75 था। सत्याग्रह.com पर आप देख रहे हैं दिनमान और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन ने दावोस में दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का स्वागत किया है। बुधवार को चीनी विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि संरक्षणवाद से लड़ने और वैश्वीकरण का समर्थन करने की जरूरत है। चीन के मुताबिक इसके लिए वो भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच की बैठक में दिए अपने संबोधन में संरक्षणवाद को आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन की तरह ही खतरनाक बताया था। उनके इस बयान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके तहत अमेरिका विदेशी नागरिकों और कंपनियों का अपने यहाँ काम करना मुश्किल बना रहा है। सत्याग्रह.com पर आप देख रहे हैं दिनमान। अब सुनते हैं आज रिलीज हो रही फिल्म पद्मावत की समीक्षा।
सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि पद्मावत में एक भी ऐसी बात नहीं है जिसके आधार पर इसके विरोध को सही ठहराया जा सके। उल्टे संजय लीला भंसाली की इस फिल्म को राजपूती आन बान शान का गान ही कहा जा सकता है। यहाँ तक कि पद्मावत जौहर के दृश्यों को भी इतना ग्लोरीफाई करती है कि 2018 का दर्शक थोड़ा असहज हो जाता है। संजय लीला भंसाली का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होते हुए भी पद्मावत एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव नहीं है। हालांकि भंसाली ने इसके हर फ्रेम को एकदम अनूठा और यादगार बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी ये भव्य फिल्म टुकड़ों में ही हमारा मनोरंजन कर पाती है। पूरे समय ये एहसास बना रहे ऐसा नहीं हो पाता। रानी पद्मावती बनी दीपिका पादुकोण की बात करें तो फिल्म में उनकी सुंदरता बेजोड़ है। वो अपनी आंखों और जादू भरी मुस्कुराहट से आकर्षित तो करती हैं, लेकिन उनकी चाल और बोलने का अंदाज जितना ग्रेसफुल होना चाहिए वो वैसी नहीं हो पाती। ऐसा ही कुछ रावल रतन सिंह बने शाहिद कपूर के साथ भी होता है। दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी यानी रणबीर सिंह फिल्म में देखने लायक हैं। वो ज़्यादातर वक्त खून खराबा करते नज़र आते हैं, इसलिए कई बार उन्हें देखकर घिन की झुरझुरी महसूस होती है। बतौर अभिनेता ये उनकी समझता है। स्टाइल और एनर्जी से भरपूर यह किरदार रणबीर के बेहतरीन कामों में गिना जाने वाला है। कुल मिलाकर पद्मावत एक विजुअल ट्रीट तो है, लेकिन फिर भी कुछ चूक जाने का सा एहसास भी इसे लेकर बना ही रहता है। सत्याग्रह की तरफ से इसे 3 स्टार। सत्याग्रह.com पर आप देख रहे थे दिनमान। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।